हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वो टॉपिक लेके आता हूँ जो करंट अफेयर पे बेस होते हैं, ठीक है। आज जो हमारा करंट चल रहा है वो चल रहा है कि सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। ये किसकी वजह से चल रहा है? ये चल रहा है जो हमारी आउटब्रेक हुई है कोरोना वायरस की, जो ये पैंडेमिक, जो ये डिजीज बन गई है, ठीक है, जिसे महामारी कहते हैं, ये महामारी बन गई है। तो इसकी वजह से जो है हमारी कुछ, हमारी जितनी भी स्टेट है इंडिया की, उनमें सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है और कुछ स्टेट्स में इवन के कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। तो आओ जानते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, सीआरपीसी क्या होता है, सेक्शन 144 क्या होता है, सेक्शन 144 कर्फ्यू में क्या अंतर है, और हम जानने की कोशिश करेंगे सीआरपीसी में और इंडियन पिनल कोड में क्या फर्क है। ठीक हो? ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सीआरपीसी होता क्या है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसकी फुल फॉर्म है। ये एक मैन लेजिस्लेशन है जिसके ऊपर क्या है, हमारा क्रिमिनल लॉ जो है एडमिनिस्टर करता है, यानी कि हमारे क्रिमिनल्स के लिए एक लॉ बनाया गया है जो किसके ऊपर काम करता है, जो काम करता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के ऊपर, यानी कि क्रिमिनल को क्या सजा देनी है, कैसे करना है, कितनी सजा देनी है, वो सब हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही सब कुछ किया जाता है। सबसे पहले इसको कब इनेक्ट किया गया, इसको इनेक्ट 1973 में किया गया, और ये कब यहाँ पे फोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1974 को हमारे इंडिया में, ठीक है। तो हम आगे इसकी हिस्ट्री की जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले कैसे आया, कब आया। तो इसमें एक्ट में क्या है, इस एक्ट में है 484 सेक्शंस हैं, इस एक्ट में 2 शेड्यूल्स हैं और 56 फॉर्म्स हैं। तो हम इस वीडियो में इसमें से एक सेक्शन जानने की कोशिश करेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे सेक्शन 144 को। तो आओ इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या कहती है। देखो बच्चों, सीआरपीसी की जो हिस्ट्री है, जो इसमें क्या है, सबसे पहले इसको हमारे इंडिया में कब इनेक्ट किया गया था, ये हिस्टोरिकल मैं आपको कह रहा हूँ, वो तो अमेंडेड है जो मैंने पीछे आपको कहा। ये सबसे पहले इनेक्ट कब किया गया था, इसको 1861 में इनेक्ट किया गया था, कब, जब हमारा 1857 में जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी, जो रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद। देखो यहाँ पे जब 1600 से यहाँ पे कौन आए थे, ब्रिटिशर आए थे, तो यहाँ पे कंपनी का रूल चल रहा था, कब तक, 1858 तक, ठीक है। 1857 के बाद उन्होंने और कानून बनाए, उसमें क्या हुआ कि अब ये जो है कंपनी से जो रूल चला गया, वो यहाँ पे किसका रूल आ गया, क्राउन रूल आ गया, ठीक है। पहले कंपनी रूल था 1600 से लेके कब तक रहा, वो 1858 तक रहा, उसके बाद हमारा क्राउन रूल आ गया, तो ठीक है। इसके बाद अगली कोडिफिकेशन कब हुई, वो हुई इसमें 1882 में, इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया, उसके बाद फिर से इसको अमेंड कर दिया गया 1898 में, किसको, जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग 41 जो क्या थी, लॉ कमीशन रिपोर्ट जब आई 1973, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्रिमिनल, जो ये हमारा सीआरपीसी है, इसको क्या किया गया, बनाया गया, इनेक्ट किया गया। तो अब मैं यहां आपको बता दूं कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वर्सेस इंडियन पेनल कोड, ठीक है, जो इंडियन पिनल कोड है और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या फर्क है। देखो मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन पिनल कोड है, ये क्या करता है, डिफाइन ये करता है कि अगर कोई क्राइम क्या है, ठीक है, मान लो कि मर्डर हम किसे कहेंगे, रेप हम किसे कहेंगे, मोलेस्टेशन हम किसे कहेंगे, ये सब कौन डिफाइन करता है, ये हमारा डिफाइन करता है इंडियन पेनल कोड। और हमें ये भी बताता है कि हमें उस इंसान को जिसने वो क्राइम किया है, उसे हमें कितनी सजा देनी है, ठीक है। जब उसका क्राइम जो है प्रूव हो गया कि उसने ये जुर्म किया है, तो उसके बाद इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसे हम उसे पनिश करते हैं, ठीक है। और सीआरपीसी क्या होता है, सीआरपीसी होता है हैंड विल डिटरमाइन द वे इन विच द पुलिस प्रोसिक्यूटर मजिस्ट्रेट और जजेस विल एक्ट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ द केस, ठीक है। सीआरपीसी में हम क्या करेंगे, सीआरपीसी में जो जजेस होंगे, मैजिस्ट्रेट जो होंगे, जो पुलिस प्रोसिक्यूटर होंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है, इस केस को देखेंगे। तो ये मतलब ये काम कौन करता है, ये करता है सीआरपीसी काम। और इंडियन पेनल कोड का काम क्या होता है, वो डिफाइन करता है कि ये क्राइम है या ये क्राइम नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 144 सीआरपीसी का क्या है। देखो जैसे कि आप देश भर में देख रहे हैं कि पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है ये क्या एक पैंडेमिक डिजीज हो चुकी है, महामारी हो चुकी है, जो कब निकली, जो नवंबर में कहां पे ये निकली थी, सबसे पहले ये वुहान सिटी है चाइना की, ठीक है, वहां से ये महामारी स्टार्ट हुई थी। तो वहां से सबसे पहले चाइना ने तो इस पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उसने इसको लाइटली लिया। फिर उसके बाद WHO आल्सो टुक इट लाइटली, उन्होंने भी इस पे ध्यान नहीं दिया,
ठीक है। उसके बाद जो है धीरे 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 अभी ये जो है मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड में बीमारी फैल चुकी है, इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए, इस बीमारी के स्प्रेड के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, कुछ स्टेट में मतलब मैक्सिमम स्टेट में लॉकडाउन कर दिया, सेक्शन 144 लगा दिया गया है। तो अब मैं आपको कहूंगा कि सेक्शन 144 होता क्या है, ठीक है। ये कब इश्यू किया जाता है, जब कुछ अर्जेंट केसेस होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट होती है या राइट होती है। अब देखो यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट तो हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है, जबकि हमारे ऊपर कोई हमला करता है उस वक्त तो लोगों की जाने जाती है, तो ये उससे भी खतरनाक चीज होती है। जब कोई महामारी फैलती है उससे भी क्या बोलते हैं सिक्योरिटी थ्रेट, ये भी सिक्योरिटी थ्रेट होती है। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक उन्होंने सजेस्ट किया है, लोगों को सजेस्ट किया है कि आपको अपने घरों के अंदर ही रहना है, हैं, स्टे होम स्टे सिक्योर। उसके बाद इसका और क्या होता है, इट वाज द असेंबली ऑफ मोर देन 4 पीपल, इसने क्या कहा, और इसमें क्या होता है कि 4 लोगों से ज्यादा किसी एरिया में क्या होता है, उनको खड़े नहीं होना होता है, इकट्ठे नहीं होना होता है। जहां पे सेक्शन 144 इंपोज किया गया हो तो वहां पे 4 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस सेक्शन के अंडर एक ऐसी अथॉरिटी होती है उनको कि वो इसमें इंटरनेट भी ब्लॉक कर सकते हैं। ये मैं अभी तो हमारा इंटरनेट ब्लॉक नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊंगा, जब हमारा 4 अगस्त को क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो गया था, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया था, इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। क्यों किया गया था, क्योंकि जब 5 अगस्त को क्या होने वाला था, जब हमारा 370 जो आर्टिकल है और 35A जो आर्टिकल है, जब उसको उन्होंने क्या करना था, रिवोक करना था, तो उनको पता था कि यहाँ पे कुछ राइट्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकती है, इसलिए उन्होंने पहले ही क्या कर दिया गया था, सेक्शन 144 लगा दिया गया था एहतियातन, ठीक है। अब इसको इन्वोक कौन करता है, सेक्शन को इम्पोज कौन करता है, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है, जो उस एरिया का डीएम होता है वो उस सेक्शन को इम्पोज करता है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बता दिया, इसमें सिर्फ क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, जब सिर्फ हमें डर होता है कि ये चीज होने वाली हो, ठीक है, उस वक्त हम इस सेक्शन को क्या करते हैं, इम्पोज कर देते हैं। पब्लिक पीस में कोई प्रॉब्लम होने वाली हो, अब इसमें क्या होता है कि जितने भी सिविलियंस जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको कोई वेपन्स वो अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लाठी भी अपने साथ वो कैरी नहीं कर सकते हैं, शार्प एज्ड वेपन यानी कि जो हमारा चाकू होता है, ठीक है, उसको भी वो अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं, फायर आर्म्स, ठीक है, मतलब जैसे कोई बंदूक वगैरह वो अपने साथ साथ में नहीं कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस में, एक्सेप्ट फॉर खाली कौन ले सकता है, पुलिस और पैरा मिलिट्री या सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, खाली उनको ही राइट है, वही ये सब चीजें अपने हाथ कैरी कर सकते हैं। अब देखो क्या है, अब इस एक्ट के अंदर जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 144 सीआरपीसी का, तो इसमें पनिशमेंट क्या दी जाती है, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम पनिशमेंट जो होती है अगर सेक्शन 144 को कोई ब्रीच करता है तो उसको सीआरपीसी के अंडर उसको 3 इयर्स की पनिशमेंट, उसे 3 इयर की सजा दी जाती है, और उसको तो दी सजा मिलेगी ही मिलेगी जो इसको ब्रीच करता है, जो इसको तोड़ता है, लेकिन उनको भी सजा मिलेगी जो पुलिस को उनका काम करने से ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि अगर कहीं कुछ लोग मान लो इकट्ठे हो गए, वो पुलिस का कहना नहीं मान रहे हैं, मॉब आ गया, तो वो भी इसके अंडर क्या होते हैं, इस एक्ट के अंदर उनको भी पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। उनको तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी जो इस एक्ट को तोड़ रहे हैं, और उनको भी मिलेगी जो पुलिस के काम में बाधा बन रहे हैं, ठीक है। ये अब हम देखते हैं कि ये कर्फ्यू से किस तरह अलग है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना आउटब्रेक जो हुआ है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं COVID-19 जिसे कहते हैं, इसका आउटब्रेक जो है वर्ल्ड वाइड हो चुका है। तो यहाँ पे क्या किया गया, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 144 हर एक स्टेट में लागू कर दिया गया। जब लोगों ने नहीं माना, जब सेक्शन 44 को लोगों ने लॉकडाउन को नहीं माना, तो कुछ स्टेट्स में फॉर एग्जाम्पल पंजाब में और महाराष्ट्र में क्या कर दिया गया, वहां पे कर्फ्यू को इम्पोज कर दिया गया। अब सेक्शन 144 और कर्फ्यू जो है ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, ठीक है। कैसे हैं वो आपको बताता हूं। देखो कर्फ्यू में क्या होता है, जब सीवियर सिचुएशन हो जाती है, मैंने आपको कहा कि जब लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, देखो जब लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, तो उस वक्त क्या कर दिया गया,
पंजाब में और महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जब उन लोगों को कहा कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, फिर भी लोग घर से बाहर निकल रहे थे, तो वहां पे क्या कर दिया गया, वहां पे कर्फ्यू को इम्पोज कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। तो कर्फ्यू में क्या होता है, पीपल को जो लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप घर के अंदर रहे कुछ टाइम पीरियड के लिए। देखो इसमें क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए यानी कि जो 24 आवर होते हैं एक दिन में, उसमें से 20 घंटे भी कर्फ्यू रह सकता है, 18 घंटे भी रह सकता है। उसमें से कुछ डील दी जाती है, डील दी जाती है कि वो कुछ लोग अपना खाने के लिए कुछ चीज लेके आए, इसेंशियल जिन्हें हम कहते हैं कि जो चीजें इसेंशियल हैं, कोई मेडिसिन लेके आए, कुछ खाने के लिए चीजें लेके आए, उसके लिए कुछ डील दी जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम कर्फ्यू। तो इसमें क्या होता है, मार्केट, स्कूल्स, कॉलेजेस सारे क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। क्या रहते हैं, कर्फ्यू में ये सारी चीजें बंद रहती हैं। लेकिन इन द केस ऑफ सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस बंद रखने हैं या नहीं रखने हैं, दैट डिपेंड्स ऑन जो वहां का डीएम है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये था हमारा आज का एनालिसिस जो हमने यहाँ पे किया। मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, मैंने यहाँ पर आपको ये सब चीजें बताई। सबसे पहले मैंने तो आपको सीआरपीसी के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको सेक्शन 144 के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सीआरपीसी और इंडियन पीनल कोड के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताया। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि कर्फ्यू जो है वो सेक्शन 144 से किस तरह डिफरेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा आज का एनालिसिस हमारे इस टॉपिक का, एंड आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये एफर्ट अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके जो दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, वो भी इसके बारे में जान सकें और इसका पालन कर सकें, ताकि उन पे कोई पनिशमेंट ना लगे। और इस लेक्चर की पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्या है उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक ये है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी पूरी वीडियो, धन्यवाद।